बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से कि जमान पार्क वाकयात की तहकीकात के लिए जेआईटी अरकान जमान पार्क पहुंच गए। जेआईटी लाहौर के 3 थानों में इमरान खान के खिलाफ दर्ज 10 मुकदमात में क्राइम सीन का जायजा लेगी। तो आपको बता रहे हैं जेआईटी अरकान जमान पार्क पहुंच चुके हैं। टीम इमरान खान के खिलाफ दर्ज 10 मुकदमात में क्राइम सीन का जायजा लेगी। जेआईटी मुतादित बार इमरान खान को तफ्तीश के लिए तलब कर चुकी है और जेआईटी ने गुज़श्ता रोज क्राइम सीन के मुआयने के लिए नोटिस जारी किया था। जेआईटी के साथ क्राइम सीन यूनिट भी वहां पर पहुंचा है। तो आपको यह भी बताते चले कि कल भी जेआईटी का नुमाइंदा इमरान खान की रिहायशगाह के बाहर पहुंचा, लेकिन वहां पर कारकुनान की तहरीक इंसाफ के एक बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी और उनकी जानिब से उसको कार्रवाई मुकम्मल नहीं करने दी गई, इसलिए बगैर नोटिस की तामील किए जो नुमाइंदा है जेआईटी का वो वापस चला गया था। आज क्या सूरत हाल है ये जानते हैं, अपने नुमाइंदे कजाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कजाफी भट्ट बताइए तफसीलात क्या है। बिल्कुल जी, फकत जेआईटी का जो वक्त है वो जमान पार्क के अंदर मौजूद है। पहले उन्होंने बाहर का विजिट किया और अब 5 रुकनी टीम जो है उस वक्त इमरान खान की रिहायश का जो है जमान पार्क के अंदर मौजूद है और वहां पर जो है सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। एसएसपी इमरान किशवर जो है इस जेआईटी को लीड कर रहे हैं, इसके साथ पंजाब ट्रांसिट और क्राइम सीन यूनिट भी मौजूद है, जिन्होंने जो यहाँ पर वाकया हुआ था उसका जायजा लिया, सूरत हाल को देखा और अब विजिट के बाद ये डिसाइड करना है उन्होंने कि इमरान खान को तहकीकात के लिए उनका बयान कब रिकॉर्ड करना है। पुलिस की एक भारी नफी भी जो है इस टीम के साथ मौजूद है। गुज़िश्ता 25 मिनट से जो है जेआईटी का वक्त यहाँ पर जमान पार्क के बाहर मौजूद है और अदालती हुक्म के ऊपर जो है यहाँ पे तहकीकात के लिए पहुंचा हुआ है। ठीक है गजाफी भट्ट, हम लोगों ने कल देखा कि जिस तरह से कल भी जेआईटी का नुमाइंदा वहां पर पहुंचा था लेकिन बगैर नोटिस की तामील किए वापस उसको जाना पड़ा क्योंकि कारकुनान की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी। आज ये बताइए कि आज भी कारकुनान वहां पर मौजूद है और उनकी जानिब से कोई बदमजगी तो पैदा करने की कोशिश नहीं की जा रही। देखिए कारकुनान यहाँ पर बिल्कुल मौजूद है और उनकी जानिब से आज किसी किस्म की कोई बदमस्ती जो है वो नहीं पैदा की गई है। जेआईटी के दफ्तर से आमद से पहले जो है जो एंट्रेंस गेट है वहाँ पे जेआईटी का बता दिया गया था कि इस तरीके से जेआईटी का एक वक्त यहाँ पर तहकीकात के लिए आएगा और इन्हें एक्सेस की जाए। बड़े आराम से जेआईटी के वक्त को जो है वो अंदर भिजवाया गया है। कारकुन यहाँ पे मौजूद है, किसी किस्म की कोई नारेबाजी या कोई बदबस्ती जो है उनकी जानब से पैदा नहीं होने दी गई है। उनको वाजे हदायत दी गई थी कि इस किस्म जेआईटी की तहकीकात के अंदर आने वाली टीम के लिए जो है वो किसी किस्म की कोई रुकावट जो है वो पैदा ना की जाए। ठीक है कजाफी भट्ट, ये बताइए 10 मुकदमात में क्राइम सीन का जायजा लेने के लिए वहां पर जेआईटी के अराकीन पहुंचे हैं, थोड़ा सा पसे मंजर हमारे नाजरिन को क्लियर कर दीजिए, 10 मुकदमात कौन कौन से हैं? देखिए ये बुनियादी तौर पर वो 10 मुकदमात हैं कि जब लाहौर से रैली निकाली जानी थी जिसकी क्यादत इमरान खान ने करनी थी और इसके साथ साथ वो मुकदमात भी शामिल है कि जब इस्लामाबाद की पुलिस जो है यहाँ पर अपने वारंट से गिरफ्तारी की तामील के लिए आई लेकिन उन्हें अंदर एक्सेस देने की बजाय उनके ऊपर पीछे के कारकुनों की जानिब से हल्ला बोल दिया गया और यहाँ पर पुलिस ने फिर जवाबी कार्रवाई करते हुए जो है वो उनके कारकुनों को गिरफ्तार भी किया। ये वो मुकदमात है जो इमरान खान के ऊपर ठीक है जो मुकदमात इमरान खान के ऊपर मुख्तलिफ जो वहां पर केसेस हैं उनके ऊपर बने हैं। बहुत शुक्रिया कजाफी भट्ट, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।